दोस्तों खबर को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। सहारनपुर के एक नेता है इमरान मसूद, आप सब लोग अच्छे से वाकिफ हो। इमरान मसूद का सियासी वजूद खिसका जा रहा है दिन पर दिन। काफ़ी टाइम से इमरान मसूद सत्ता ढूंढते फिर रहे हैं, ताकत ढूंढते फिर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही। हर चुनाव लड़ते हैं लेकिन जनता उनको नकार देती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर के अंदर एक नेता की एंट्री हो जाती है जिसका नाम है आसू मलिक। आसू मलिक एक उत्तर प्रदेश की सियासत का चेहरा माना जाता है। इमरान मसूद पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा सियासी चेहरा माने जाते हैं लेकिन आसू मलिक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक सियासी चेहरा माना जाता है। इसकी वजह वो भी हम आपको बताएंगे। पहले ये सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इमरान मसूद बैकवर्ड समाज के नेताओं को बिल्कुल हजम नहीं करते, क्योंकि पिछले 45 सालों से इमरान मसूद हर का यहां जलवा रहा है सियासत में। अब 2022 में आसू मलिक की एंट्री हो जाती है। आसू मलिक सहारनपुर देहात विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। अब आसू मलिक के सियासी वजूद को खत्म करने के लिए इमरान मसूद ने भरपूर कोशिशें की है लेकिन नहीं कर पाए। हालांकि जब से इमरान मसूद हर को जनता ने नकारा, बैकवर्ड समाज के नेता तैयार हुए। और बैकवर्ड समाज के क्या बल्कि मुस्लिम नेता तैयार हुए, जिसमें 2019 में हाजी फजलुर रहमान सांसद बने, वो भी इनसे अलग रहकर बने। उमर अली खान विधायक बने, आसू मलिक विधायक बने, लेकिन आसू मलिक की सियासत को खत्म करने के लिए इमरान मसूद ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। और वो क्या है कि इमरान मसूद ने आसू मलिक के सियासी वजूद को खत्म करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। उन्हें लगा कि दलित और मुस्लिम मिल जाए तो आसू मलिक खत्म हो सकते हैं। हालांकि बैकवर्ड समाज की राजनीति को खत्म करने के लिए इमरान मसूद ने बसपा को ज्वाइन की है। और जनपद सहारनपुर की अगर मैं मुस्लिम वोट की बात करूं तो यहां पर 95% वोट बैकवर्ड है। और अगर सरकारी आंकड़े पर देखा जाए तो 85% वोट बैकवर्ड पूरे देश में है, लेकिन सहारनपुर की अगर मैं बात करूं यहां पर 95% वोट बैकवर्ड समाज का है। और बैकवर्ड समाज में एक नेता, बड़े स्तर का नेता जो सामने आया है आसू मलिक, उसको हजम इमरान मसूद नहीं कर पा रहे और उनको खत्म करने के लिए इमरान मसूद ने बसपा को ज्वाइन कर लिया है कि किसी तरह से आसू मलिक को खत्म किया जाए, क्योंकि आसू मलिक समाजवादी हाईकमान के घराने का सदस्य माना जाता है। जब मुलायम सिंह यादव हयात थे, जीवित थे, हमेशा उनके साथ देखा जाता था आसू मलिक को। और आज अखिलेश यादव भी बिल्कुल उसी तरह अपने पिता श्री मुलायम सिंह यादव के सम्मान को बराबर रखते हुए आसू मलिक को हर जगह अपने साथ रख रहे हैं। और यही वजह है, क्योंकि एक आसू मलिक ऐसा नेता है कि किसी भी वक्त किसी भी समय आसू मलिक की मुलायम सिंह के घर, अखिलेश के घर किसी भी तरीके से एंट्री हो सकती है और किसी को भी ले जाकर डायरेक्ट मिलवा सकते हैं। यही वजह है कि आज बैकवर्ड समाज जो है और बैकवर्ड समाज के नेता आज आसू मलिक की ओर बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। और यही हजम नहीं हुआ है काजी इमरान मसूद को, और उन्होंने आसू मलिक के सियासी वजूद को खत्म करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। उस पार्टी को जिसके खिलाफ हमेशा खड़े रहे, उस नेता को अपनी नेता माना है जिस नेता के खिलाफ हमेशा इमरान मसूद ने आंख उगली है, जहर उगला है। आज
सहारनपुर देहात विधानसभा चार से सपा के विधायक आसू मलिक के सियासी वजूद को खत्म करने के लिए बसपा में एंट्री की है, घुटने टेक दिए हैं बसपा के आगे, क्योंकि बैकवर्ड समाज में नेता बर्दाश्त नहीं है इमरान मसूद को, और वोट बैकवर्ड समाज का है। अब नगर निगम का चुनाव है, फैसला जनता को करना है कि वो किस ओर जाएगी, लेकिन ये सच्चाई बताई है हमने आपको सूर्य जनता की आवाज न्यूज चैनल के माध्यम से कि आशु मलिक के सियासी वजूद को खत्म करने के लिए इमरान मसूद ने बसपा को ज्वाइन किया है। तो दोस्तों अब के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सूर्य जनता।